तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, उसके लिए क्या क्या सिस्टम आए थे, कैसे एरिस्टोटल साहब ने अपनी थियोरी दी थी, फिर उसके बाद उसी थियोरी को हल्का सा बदल दिया था। और मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि जैसे पूजा का पूजवा होता है वैसे एनिमल का एनिमिलिया कर दिया, तो वो लीनस साहब की लीनस साहब ने उसको नाम दिया, कहा कि ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन, एक्चुअली उन्होंने किंगडम दिखा दिया था। फिर उसके बाद हैकल आए जिन्होंने बताया था कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसमें तीसरा किंगडम उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो प्रोटिस्टा था, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कोपलैंड, उन्होंने दिया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें उन्होंने किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोगों को बताया और कहा कि नहीं, बैक्टीरिया कुछ होती हैं जिनको हम ना प्लांट में रख सकते हैं, ना एनिमिलिया में रख सकते हैं, ना ही प्रोटिस्टा में रख सकते हैं, तो उनके लिए एक अलग से किंगडम होना चाहिए, और वहाँ पे उन्होंने किंगडम बनाया, किंगडम मोनेरा। यहाँ तक हम लोगों का हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो सबसे एडवांस है और जिसकी स्टडी सबसे ज़्यादा की जाती है, वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर्यच विटेकर के द्वारा बनाया गया था। और आर्यच विटेकर ने जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया तो उन्होंने जो नया किंगडम ऐड किया था वो था फंजाई, ठीक है। फंजाई की वजह से कई रोग भी होते हैं, हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, हालांकि इसके बारे में हमको क्लास 12th में और ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा कि क्या रोग होते हैं, कैसे होते हैं। तो उन्होंने फंजाई को उसमें इंक्लूड किया और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दे दिया। फिर हमने देखा कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किन किन चीज़ों पर बेस्ड था। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेस्ड था उसमें हमने सबसे पहला देखा था कि वो किस किस चीज़ पर बेस्ड था, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन वाला, याद होगा कि मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन जो था वो मैंने बोला था कि इसको हाईलाइट करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा अगर देखा जाए बाकी के, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थैलस या बॉडी भी हम बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी भी था, ठीक है। मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की हमने नाम दिया ही, और उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, और इकोलॉजिकल एफिनिटी थी, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी के साथ कैसा संबंध रखता है, उस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया था। अब हम उसके आगे अगर चर्चा करें थोड़ी सी, तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है, उसके आगे आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये तीन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैंडलर, विलिस और वुज, इनके द्वारा दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें अगर हम लोग बुक बुक में पढ़ते हैं तो हमको कैंडलर और इन लोगों का नाम नहीं, ज़्यादातर नाम विलिस और वुज का देखने को मिलता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा नाम वुज का आता है, ठीक। तो तीनों का नाम हो सकता है कि ना आए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हो सकता है हमें इस तीनों का नाम देखने को मिले, तो जब भी हम आगे पढ़ेंगे तो हमें कुछ ऐसा ना लगे कि ये तो एकदम नया सा आ गया, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं था। इसलिए मैं तीनों बता देता हूँ कि तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके इसे खोजा था, कैंडलर, विलिस और वुज। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। एक्चुअली इन्होंने बताया क्या था, इस बात को हम लोग समझते हैं, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या बताया गया था। अब तक हम लोग देखते थे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे हायरार्की हम लोगों ने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की देखी थी, उसमें सबसे ऊपर हमने देखा था कि किंगडम होता है, उसमें सबसे ऊपर हमने क्या देखा कि किंगडम होता है। इन लोगों ने बताया था, इन्होंने बताया कि नहीं, किंगडम से ऊपर भी एक चीज़ होती है जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। तो इन्होंने तीन डोमेन बताए थे, इन्होंने तीन डोमेन बताए थे। तो एक लाइन फटाफट से ही लिख लो कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द हायर रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इज डोमेन DOMAIN डोमेन, द हायर रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम इज डोमेन। अब तक जो हम लोग देखे थे हायर रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, वो था किंगडम था, ठीक है। अभी तक हम लोग देखते थे किंगडम, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, किंगडम से ऊपर डोमेन होगा। और इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था, तो ये भी लिख लो, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, कंपटीशन वालों के लिए ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जामिनर्स के लिए लड़कों से पूछा जाता है, तो ये पूछा जाएगा कि ये किस पर बेस्ड था,
तो ये भी हम लोग फटाफट से लिख लेंगे कि सिक्स किंगडम सिस्टम, सिक्स किंगडम सिस्टम वाज बेस्ड ऑन, वाज बेस्ड ऑन, अब इसको थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट करके लिखेंगे ताकि हमारी नज़र जब भी हम इसे पढ़ें तो सबसे पहले इस पे पड़ जाए, 16 एस आर एन ए, ठीक। क्या होता है 16 एस आर एन ए, इस बात को हम लोग अभी नहीं समझेंगे क्योंकि अभी ये अगर इसकी स्टडी करने लगे तो फिर थोड़ा सा हम लोगों का ज़्यादा टाइम लॉस होगा। अभी आगे एक चैप्टर आएगा जिसमें हम लोगों को सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना होगा, वहाँ पे डीएनए वीएनए की चर्चा होगी, तो वहाँ पे मैं इसको भी समझा दूँगा, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखना है हमें कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था ये किस बेसिस पे किया गया, किस चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया, तो ये इसी चीज़ को ध्यान में रख करके किया गया था, ठीक है। यानी 16 एस आर एन ए के आधार पर पहले ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में बांटा गया और तब बताया गया कि डोमेन के बाद तब किंगडम आएगा, फिर फाइलम एंड सो ऑन, ठीक। तो इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में बांटा, वो 3 डोमेन कौन कौन से थे लिखते चलना मेरे साथ ही, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में बांटा जिसमें तो सबसे पहला होगा आर्किया, दूसरा होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और तीसरा होगा यूकेरिया। तीसरा होगा यूकेरिया, ठीक है। तो अब हमें याद रखना है, बड़े ध्यान से इसको समझना कि कौन कौन से हैं, आर्की बैक्टीरिया नहीं, आर्किया, ठीक, आर्किया, बैक्टीरिया और यूआर्किया यानी यूकेरिया, इसको ऐसे ही बस याद करते हैं किसी भी तरह, ठीक। तो याद रखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में बांटा गया, वो 3 डोमेन क्या क्या थे, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। अब देखना, अब थोड़ा सा दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर 6 किंगडम कैसे हुआ, अभी तक हमें 6 किंगडम नहीं दिख रहा है ना, किंगडम अभी भी हमारे दिमाग में वही 5 वाला कॉन्सेप्ट है। देखना कौन कौन से 6 किंगडम बनाए गए थे। एक्चुअली उन्होंने किया क्या था कि जो मोनेरा किंगडम होता है ना, मोनेरा किंगडम को ही 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मोनेरा किंगडम को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से एक पार्ट हो गया आर्की बैक्टीरिया, एक पार्ट हो गया आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये एक किंगडम था उनके हिसाब से, ये एक किंगडम था, उन्होंने बताया आर्की बैक्टीरिया एक किंगडम था जो किस डोमेन में आया, आर्किया डोमेन में आया, ठीक है। याद रखना हमारे पास 3 डोमेन हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया डोमेन के अंदर कौन आया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक, ये एक किंगडम हो गया। और बैक्टीरिया के अंदर कौन आया, इसको हम लोग लिख लेंगे कि ये एक किंगडम हो गया हम लोगों के पास, ये एक किंगडम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर, हमारे अंदर बैक्टीरिया के अंदर जो आया किंगडम वो था बैक्टीरिया, उसका नाम ही बैक्टीरिया रखा गया, बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया में दोनों आ जाएंगे, साइनो बैक्टीरिया भी, इस बैक्टीरिया में साइनो बैक्टीरिया भी आएगा। ये फ्लो चार्ट जरूर बना लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे के लिए, साइनो बैक्टीरिया भी और यू बैक्टीरिया भी, यू बैक्टीरिया दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी, साइनो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो याद रखना है, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया गया, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया, ठीक, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया में कौन किंगडम आया, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कौन किंगडम आया, बैक्टीरिया। अब देखो यूकेरिया में कौन सा किंगडम आएगा, यूकेरिया में आएंगे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, और एनिमिलिया। तो हमें याद रखना है, देखो अब बड़े ध्यान से समझना, एक किंगडम यहाँ पे आया
आर्किया में एक किंगडम आ गया आर्किबैक्टीरिया, और एक किंगडम हमारा आ गया यहाँ पे बैक्टीरिया में, ठीक। एक किंगडम यहाँ, एक किंगडम यहाँ, और यहाँ देखो चार किंगडम हमें दिख रहे होंगे साफ साफ, एकदम नज़र आ रहा है ना, चार ठो किंगडम। तो अब जरा गिनो कैठो किंगडम हो गए, चार पाँच छः हुआ ना सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो बस यही है। तो उन्होंने किया क्या था, देखो एक्चुअली में हुआ क्या है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये तो एज इट इज़ हैं, बदला कौन है, मोनेरा इसमें कहीं नाम नहीं दिख रहा होगा, ठीक। एक्चुअली उन्होंने मोनेरा को ही दो भाग में डिवाइड कर दिया था, एक आर्किबैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया, जिसमें आर्किबैक्टीरिया में आर्किबैक्टीरिया आती थी, जिनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, और बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया दोनों आ जाते थे, ठीक। तो इसके बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बस हमें यही याद रखना है, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो यही है कि ये किस पर बेस्ड होता है, ठीक है। यही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा एकदम दिमाग में बैठा लेनी है कि जो ये सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 16S RNA के ऊपर बेस्ड है, ठीक। ये चीज़ अगर हम याद रखेंगे तो फिर यहाँ से हमारा काम बन जाएगा, और हमें बाकी ये याद ही हो गया होगा, मैं एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करता हूँ ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। तो ये याद ही हो गया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को तीन डोमेन में बांटा गया, कौन कौन से थे, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया के अंदर कौन किंगडम आया, आर्किबैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर कौन आया, बैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया दोनों, ठीक है। और यूकेरिया में कौन आया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, बचे हुए सारे। तो चार वहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, चार दो छः हो गए हमारे पास, ठीक। यही था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ से ये ख़त्म होता है। इसके बारे में सिर्फ हमें इतनी ही जानकारी रखनी है, और इसके बाद हम लोगों को ये फाइव किंगडम वाले को ही इलाबोरेट करके पढ़ते चलना है। तो अब हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं किंगडम मोनेरा, और उसी की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो किंगडम मोनेरा। कोई दिक्कत तो नहीं है इतना समझने में ना, कोई भी दिक्कत होगी पूछ सकते हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में। ठीक है, तो अब हम हेडिंग डालेंगे किंगडम मोनेरा। अच्छा, अब ये देखना, इसमें ध्यान देना कि अगर मैं इसमें अब पढ़ाना स्टार्ट करूँ किंगडम मोनेरा में, तो तीन चार पाँच लेक्चर सिर्फ इसी में चले जाएंगे किंगडम मोनेरा के ही। तो हम लोगों को सिर्फ उतनी ही स्टडी इसकी करनी है जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसके लिए मैं अलग से कभी क्लास ले लूँगा या लेक्चर ले लूँगा, तो वो बता दूँगा उसमें, वो कंपटीशन लेवल के भले उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जो पढ़ाऊँगा उसमें कुछ कंपटीशन का होगा ही नहीं, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कंपटीशन के होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कंपटीशन वाले मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करते चलूँ, ठीक है। पहले क्या होता था कि नीट नहीं होता था, पहले AIPMT और अगर इस टाइप के एग्ज़ाम होते थे। नीट तो अब आया है 2013 से शायद स्टार्ट हुआ है नीट, पहले होता था AIPMT PMT, तो उसके पेपर जो होते थे वो थोड़े टफ होते थे, CPMT होता था, तो उसमें बहुत सी चीज़ें बाहर की, NCERT के बाहर की भी पूछी जाती थी, मतलब NCERT में भी बहुत कम कर दिया है सिलेबस सब चीज़, तो बहुत बाहर की भी चीज़ें पूछी जाती थी, तो इसलिए लड़कों को जब पढ़ाया जाता था थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाता था कि उस हिसाब से उनको पढ़ाया जाता था कि अगर कुछ भी क्वेश्चन आए तो वो सॉल्व कर पाए। पर अब उतना नहीं है, अब तो पेपर इनफैक्ट इधर 2-3 साल से तो बहुत ही निहायती सिंपल पेपर आ रहा है, एकदम से हलुआ टाइप का, बहुत ज़्यादा सिंपल आ जाता है, और इसी यही कारण है कि जो वो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, कंपटीशन तगड़ा हो गया, पेपर सिंपल हो गया। हालांकि उम्मीद है कि इस बार शायद टफ दे पेपर, क्योंकि जब 720 में 720 कोई लड़का लाता है तो पेपर बनाने वालों को बुला के बोला जाता है कि भाई क्या है 720 में 720 कंपटीशन ले रहे हो कि क्या, क ख ग दे दिए होते लिखने के लिए। हालांकि अभी अगर क ख ग दे दिया जाए ना कई लड़कों को तो नहीं लिख पाएंगे, सही बता रहा है, हमसे तुम 1 से 20 तक पहाड़ा बोल लो, कह दो बोलने के लिए, हम 13 के बाद नहीं बोल पाएंगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, भूल जाते हैं क ख ग, लेकिन हम बोल लेंगे, हमारा हिंदी बड़ा तेज है। तो किंगडम मोनेरा इसका हम लोग करते हैं, सबसे पहला लाइन हम लोग लिखेंगे इसमें, क्रिएटेड बाई कोपलैंड, क्रिएटेड बाई कोपलैंड। हमने आगे भी इसको पढ़ लिया है, मतलब अभी पीछे भी हमने इसको देखा था कि ये किसके द्वारा खोजा गया, तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्रिएटेड बाई कोपलैंड।
इन लोगों के नाम बड़े अजीब होते हैं, क्रिएटेड बाई कोपलैंड। अच्छा, अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो दीज आर प्रोकैरियोटिक, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, दीज आर प्रोकैरियोटिक सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट यूजुअली माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देखना। अच्छा, इसको हम लोग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, कुछ अंग्रेज टाइप के लोग होते हैं ऑर्गेनिज्म भी पढ़ते हैं, तो हम लोग की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हिंदी मीडियम स्कूल से हुई, तो हिंदी वाला इफेक्ट आने लगा, फिर उसके बाद अंग्रेजी मीडियम में चले गए, तो हम लोग ना घर के रहे ना घाट के, वही हालत हो गया हम लोगों का, दोनों मिक्स हो जाता है, तो हम लोग हिंदी भी नहीं है इंग्लिश भी नहीं है, हिंग्लिश हो गए हैं। ठीक है, तो यही याद रखना है, तो हमको याद रखना है क्या क्या याद रखना है कि जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होंगे सिंपलेस्ट होंगे। ठीक है, याद रखना, देखना क्या क्या हमने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, सिंपलेस्ट है, माइक्रोस्कोपिक है और यूनिसेलुलर है। ये सारे कैरेक्टर अगर हमको कहीं भी किसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल गए तो हम लोग समझ लेंगे कि वो किंगडम मुनेरा में आता है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो अगर हमारे सामने कोई ऑर्गेनिज्म ले आकर के रखा जाए तो हम ये तो पहचान सकते हैं कि वो मोनेरा में आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि उसकी सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है, इसका एक सिंपल सा बस बता दे रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब है ये भी बता दे रहा हूँ। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये है कि जो सेल में न्यूक्लियस एक होता है, सुना सुना सा शब्द लग रहा होगा, कभी सुने होंगे सदियों पहले, तो जो न्यूक्लियस एक होता है छोटा सा काला सा दिखाया जाता है बुक में अधिकतर, तो वही न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर कोई बाउंड्री है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, अगर वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंड्री है तो हम लोग बोलेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, मतलब बढ़िया सजा धजा तैयार होके आया है कपड़ा पहन के, और अगर वो बाउंड्री नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि सज धज के नहीं आया है। ठीक, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। तो जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोट होंगे, जैसे हम हो गए, तुम हो गए, ठीक है, कुकुर, और जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा वो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक, तो इन लोगों में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है माना जाता है ऐसा, तो इन लोगों को प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, इतना हो गया ना, इतने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर, अच्छा दे आर वो वाला नहीं कि किसी से कुछ मांग रहे हैं, दे आर इंग्लिश वाला है, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ दे आर मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। हम लोग इनके बारे में कहते हैं कि ये बहुत प्रिमिटिव हैं। प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है, पुराने, बहुत प्रिमिटिव, बहुत पुराने लोग जो होते हैं या प्राचीन टाइप के, उनको बोला जाता है। तो बैक्टीरिया को बोला जाता है ये बहुत प्रिमिटिव है। जाहिर सी बात है, जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी जहाँ पर कोई नहीं रह पाता था वहाँ पर भी ये इन्जॉय करते थे, तो ये बैक्टीरिया थे। ठीक, और बैक्टीरिया बहुत पुराने समय से है। बैक्टीरिया सबसे पहले शायद बैक्टीरिया ही आई रही होगी, फिर उसके बाद हालांकि कौन आया था कौन नहीं आया था इसके बारे में तो एग्जैक्ट अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय ना हम थे ना तुम थे। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, हवाई फायर करते हैं और आए दिन नई नई डिस्कवरी होती रहती है, तो कुछ भी, तो ये है। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिस्ट्रीब्यूशन इज ये ऊपर वाला लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन इज
डिस्ट्रीब्यूशन इज यूबीक्यूटस, यूबीक्यूटस एंड कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक, देखना इसका क्या मतलब है यूबीक्यूटस और कॉस्मोपॉलिटन का। यूबीक्यूटस और कॉस्मोपॉलिटन कहने का मतलब यही है कि इसको एडिट करना पड़ेगा, नहीं लोग कमेंट करेंगे उसमें कोरोना। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन इज यूबीक्यूटस और कॉस्मोपॉलिटन, इसको कहने का मतलब यह है जिसे हम लोग कहते हैं ना ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद होता है, वैसे ही बैक्टीरिया के बारे में भी कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया होती है वो सर्वव्यापी होती है हर जगह, मतलब जहाँ पर जीवन की हल्की सी इतनी सी भी संभावना होती है, इतनी सी भी संभावना अगर होगी तो वहाँ पर बैक्टीरिया आपको मिलेगी। स्वागत सभी का करते हुए आज ऐसे गाना गाते हुए अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हारे वेलकम के लिए खड़ी रहेगी। तो जैसे एक ज्वालामुखी एकदम धधकता हुआ लावा, वहाँ पे भी हो सकता है तुमको एक बैक्टीरिया मिल जाए, ठीक है। या फिर बहुत ठंडी जगह जहाँ पे हमारा तुम्हारा रहना पॉसिबल ही नहीं है, कुकुर का भी रहना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे भी हो सकता है हमको बैक्टीरिया देखने को मिल जाए। होती हैं ऐसी बैक्टीरिया, बहुत हीरो टाइप के होते हैं ये लोग साउथ के, तो कुछ भी कर लेते हैं, कोई कहीं भी रह लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूबीक्यूटस और कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब ये कहीं भी रह लेंगे, कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं। कई टाइप की बैक्टीरिया होती हैं जो कहीं भी सर्वाइव कर लेती है, हार्श कंडीशन में भी रह लेती हैं, और बहुत कह सकते हैं मतलब जहाँ एक्सट्रीम एकदम कंडीशन है जहाँ हम तुम नहीं रह सकते, बहुत गर्म जगह या बहुत ठंडी जगह, ठीक है, या तो बहुत उमस वाली जगह, हर जगह पर ये लोग सर्वाइव कर जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत ज़्यादा इनको नहीं होती है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, इफ बैक्टीरिया हैव सेल वॉल देन इट इज मेड अप ऑफ म्यूरिन, MURIN, म्यूरिन, स्यूडो म्यूरिन, कॉमा देके लिखना, म्यूरिन, स्यूडो म्यूरिन Pseudomurine, या एक और लिख लो सेलुलोज। हम सच बताएं तो अगर हमारे सामने कभी भी सेलवॉल वर्ड आता है ना, सबसे पहले सेलुलोजे आता ही है दिमाग में कि सेलवॉल है तो सेलुलोज का बना होगा। प्लांट में बहुत पढ़े हैं ना, कक्षा आठ से पढ़ते आ रहे हैं सेलुलोज। उस समय ये भी नहीं पता था क्या होता है सेलुलोज, लेकिन रटने में बचपन से ही बहुत प्रतिभा थी हमारे अंदर, गजब। इस बायो लेने के लक्षण मेरे अंदर पहले से नज़र आ गए थे कि मैं बायो ही लूँगा। तो म्यूरिन मतलब अगर सेलवॉल उन लोगों में प्रेजेंट हुई, ये कब की कंडीशन है, सेलवॉल इफ़ प्रेजेंट, अगर सेलवॉल हो तब, इफ़ प्रेजेंट, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये मेरा प्रेजेंट लिखने का स्टाइल है। तो अगर सेलवॉल हुई तो क्या क्या हो सकता है, या तो वो म्यूरिन की बनी होगी, म्यूरिन एक ऐसे समझना कि केमिकल सबस्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में हमको ज़्यादा स्टडी है, उसका स्ट्रक्चर नहीं जानना है, जानना होगा तो बता दूंगा, पता है, ठीक है, म्यूरिन की, या स्यूडो म्यूरिन की। स्यूडो म्यूरिन क्या होता है कि म्यूरिन की तरह ही दिखने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, याद रखना म्यूरिन की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, म्यूरिन नहीं है, ठीक, इसलिए उसको स्यूडो म्यूरिन बोलते हैं, यानी झूठा म्यूरिन, ठीक है। जैसे बहुरुपिया कई तो देखा होगा, आते हैं सलमान खान बन के, शाहरुख खान बन के, या टिकटॉक वाले पे तो अति मचा दिए थे कुछ, तो उसमें अभी इंस्टाग्राम पे भी शुरू हो गए हैं, वही हालत हो गई है। तो कई ठो देखने को मिलेंगे अगर इस टाइप के तुम देखो तो, हो जाएगा कि उसकी तरह दिखते हैं पर एक्चुअल में वो होते नहीं, ठीक। तो स्यूडो वर्ड, स्यूडो का मतलब ही होता है झूठा, स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा। तो स्यूडो म्यूरिन यानी कि झूठा म्यूरिन, यानी म्यूरिन की तरह दिख रहा होगा पर होगा नहीं, हमें छलावे में नहीं फंसना है। तो सेलवॉल अगर होगी तो या तो म्यूरिन की होगी, या स्यूडो म्यूरिन की होगी, या सेलुलोज की होगी, ठीक, कोई दिक्कत इतना समझने में। अच्छा, अभी अभी देखो हमने क्या वर्ड लगाया है, इफ प्रेजेंट,
अगर होगी तो, अगर ना हुई तो, अगर ना हुई तो। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता है, तो बस हमें उन्हीं बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सेल वॉल इफ़ अब्सेंट, तो अब्सेंट वाले में हम लोग बैक्टीरिया का नाम लिखेंगे। लिखो क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी माना जाता है इसको। इसी में आता है वो पीपीएलओ, पीपीएलओ का मतलब होता है प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, निमोनिया कॉज करता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो याद रखना है हमें क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्मा। अब इसको याद करने का एक ट्रिक तुम्हें बता दे रहा हूँ, हमारे गुरुजी हमको बताए थे। क्लेमाइडिया का हम लोग सी एच एल ले लें, ठीक, क्या ले लें, सी एच एल। रिकेट्सिया का आर और आई ले लें, और माइकोप्लाज्मा का एम और वाई ले ले। तो देखो इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, चल रे माई, ठीक। तो बस हमें यही याद रखना है, ये याद करने का ट्रिक है कि ऐसी कौन सी बैक्टीरिया होती हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता है। अब याद रखना मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसको हाईलाइट करके क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये कंपटीशन में पूछा जा चुका है नीट के, ठीक है। ऐसी बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं होती हैं, तो याद रखना कंपटीशन में वही चीज़ें पूछी जाती हैं अधिकतर जो एक्सेप्शनल पॉइंट होते हैं या जहाँ पे संभावनाएं कम होती हैं, क्योंकि जहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हैं पता है लड़कों सबको कि वो लड़कों को एकदम भर भर हुआ याद होगा, तो वहाँ से वो नहीं पूछेंगे। तो याद रखना है सेल वॉल किस में नहीं होता, कौन कौन सी बैक्टीरिया सेल वॉल वाल मतलब ऐसी होती हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होता, तो क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्मा, इनका नाम हमें याद रखना है। चल रे माई, इसको याद करने का न्यूमेनिक से ट्रिक है, ठीक है, इसको लिख लेना कहीं कोने में, बता दिया क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया और माइकोप्लाज्मा, ठीक। अब इतना याद रख लो, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ये फ्लो चार्ट भी अगर बनाना होगा तो बना लो जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है किंगडम मोनेरा में, अभी तक हम लोगों ने देख लिया उतना, अब एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को देखना है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू होने जा रहा है किंगडम मोनेरा का। अभी ये हम इतने पे ही अब इसको ख़त्म करेंगे, जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा सा बता करके, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत जब बार पूछे गए हैं, ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज़ कि किंगडम मोनेरा का जो मल्टीप्लीकेशन का रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे फास्ट रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फास्ट रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अभी मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, मच मोर डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये देखो हमने बोला था ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम इसको हाईलाइट करके लिख रहे हैं, मच मोर डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ये हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, ये सिम्बियोटिक भी होते हैं, ये और कुछ भी होते हैं, इसलिए हम लोग लिख देंगे ETC, ठीक है। अब कितना लिखें यहीं पे, खाली मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होता रह जाएगा, तो बता देते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहली चीज़ कि किंगडम मोनेरा में जो मल्टीप्लीकेशन का रेट होता है वो बहुत हाई होता है, मतलब कि ये बहुत जल्दी अपने नंबर को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया कुछ ऐसी भी होती है जो 30 मिनट में अपने नंबर को, मतलब एक से दो हो गई,
ठीक है, एक से दो हो गई। अब देखना, ये समझना ये है हमें कैसे ये लोग बढ़ रहे हैं, कैसे इनकी तादाद बढ़ती है। मतलब ज़रा सोचो, एक बैक्टीरिया एक से दो होती है, दो से चार होती है, चार से आठ होती है ना। अब इसे करते करते मान लो, हमको मान लो अगर कोई क्वेश्चन दिया गया, फिर से एडिट करना पड़ेगा, पढ़ाने ही नहीं देगा क्या? देखो, हमको मान लो कोई क्वेश्चन दिया गया जिसमें हमको बताया गया कि एक बीकर है जो बैक्टीरिया से भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, 25% ये बैक्टीरिया से भरा हुआ है। अब हमसे पूछ लिया गया कि ये 25% भरा हुआ है, ठीक है, ये 25% भरा हुआ है हमारा बीकर बैक्टीरिया से। अब हमें बोला सिर्फ इतना गया है कि ये जो बैक्टीरिया है वो हर 30 मिनट में अपने नंबर को डबल कर लेती है हर 30 मिनट में। तो आप मुझे वो समय बताइए जिस वक्त पे ये बैक्टीरिया बीकर को एकदम फुल भर देगी पूरा, ठीक। यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को घर से सॉल्व करके आना। अगर हुआ, क्वेश्चन ये है कि कोई एक बैक्टीरिया है जो हर 30 मिनट में अपने नंबर को डबल कर लेती है, ठीक। मान लो हम लोग वही बैक्टीरिया थोड़ा सा ऐसे उठा करके लाए हाथ में, और उसको एक बीकर में भर दिए, ठीक। बीकर का 20% पार्ट उस बैक्टीरिया से भरा हुआ है, ठीक। इतनी तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी गई, यानी कि बीकर का 20% बैक्टीरिया से भरा हुआ है, वो बैक्टीरिया जो हर 30 मिनट में अपने आप को डबल कर लेती है, ठीक। तो हमें ये बताना है कि कितना देर लगेगा कि ये बीकर जो है वो पूरा भर जाएगा, बस यही टाइम कैलकुलेट करके तुमको आना है, ठीक ना। नहीं आएगा तो हम कल बताएंगे, लेकिन आज जाकर के कोशिश करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम। हाँ, सुने हैं, देखे हैं, याद नहीं आ रहा है, तो बस इसको कोशिश करो फाइंड आउट करने की। बहुत सिंपल, बहुत 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 मस्त क्वेश्चन है। बताओ टाइम मुझे कितने में ये पूरा भरेगा। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। लास्ट मिनट की यहाँ देखना, यहाँ कितना है, 30 सेकेंड नहीं है ये, 30 मिनट है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये इतना याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करना, हो जाएगा तुमसे, हमको भरोसा है, ठीक। तो हम लोग यही पढ़े हैं कि जो बैक्टीरिया होता है या जो मोनेरा होते हैं उनका रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बहुत तगड़ा होता है, एकदम खटाखट खटाखट डिवाइड होते जाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो हमने लिखा है पॉइंट, वो ये लिखा है कि यहाँ पर मच मोर डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मच मोर, यानी कि ये आउटोट्रॉपिक भी होंगे, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब है बता देते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाए, हेटरोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड हो, सिम्बियोटिक का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मटेरियल को खा करके अपना जीवन गुजारा कर ले। बड़े सीधे साधु टाइप के होते हैं। क्या दूसरा नाम? अच्छा, सही। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो किंगडम मोनेरा होते हैं उनमें बहुत फास्ट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, और मच मोर डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ पर न्यूट्रिशन के कई डाइवर्सिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं, कई मोड हैं न्यूट्रिशन के, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर
सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट। अब यहाँ से क्वेश्चन ये दिया जाएगा, मान लो तुमको किसी बैक्टीरिया का नाम दिया गया और पूछ दिया जाएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा या नहीं होगा, ठीक। तो याद रखना है कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे डीएनए इज जो इन लोगों का डीएनए होगा वो जीसी रिच का मतलब क्या है, यहाँ जी जो है वो होता है गुआनिन के लिए, गुआनिन, और सी इज स्टैंड फॉर साइटोसिन। ठीक है, ये याद रखना है हमें, जी सी रिच। जैसे हम लोग डीएनए देखे होंगे, थोड़ा समझा दे रहा हूँ, डीएनए हम लोग देखे होंगे ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा डीएनए होता है, तो इसमें ऐसे ऐसे स्ट्रैंड बने होते हैं ना बीच में, ठीक। तो इसमें देखना कितने टाइप के स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है थायमिन, एक स्ट्रैंड ये हो गया जो एडेनिन और थायमिन से बनेगा, ठीक, और एक होता है गुआनिन और एक होता है साइटोसिन, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया जो गुआनिन और साइटोसिन से बनेगा, ठीक। तो ये जो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन है, ये एक्चुअली बेस पेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, बेस पेयर, इनको बेस पेयर भी बोला जाता है। तो जो हम लोग इन लोगों का जो डीएनए होता है, डीएनए बैक्टीरिया लोगों का या किंगडम मोनेरा का जो डीएनए होता है वो जीसी रिच होता है, ठीक, यानी इसमें जीसी की मात्रा यानी गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक, गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा ज़्यादा होगी। तो जीसी रिच कहने का मतलब यही है कि जो बैक्टीरिया होती हैं, जो मोनेरन्स होते हैं, उन लोगों में जो डीएनए होता है वो जीसी रिच होता है, यानी गुआनिन साइटोसिन वाले बेस पेयर की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक। इसी के आगे कॉमा देके लिखो सर्कुलर होगा, फिर कॉमा देके लिखना डबल स्ट्रैंडेड, और फिर एक चीज़ और लिख लेना इसी में कि हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे अब्सेंट होगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी हो, एक भी चीज़ ऐसा हो जो ना समझ में आए तो पूछ लेना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, जैसे देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लो ये होता है हम लोग के पास पतंग, हम लोग उड़ाते हैं ना, तो पतंग का देखा होगा परेता होता है एकदम लंबा सा, खूब लंबा सा, 1-2 किलोमीटर लंबा होता है, ठीक। लेकिन वो 1-2 किलोमीटर लंबा वाला परेता एक छोटे से लटाई में लपेटा जाता है, ठीक। तो अब जरा सोचो कि उतना बड़ा परेता और इतने छोटे लटाई पे लपेट दिया गया, ठीक। तो ऐसा ही कुछ मॉडल होता है हमारे डीएनए के पैकेजिंग का, यानी डीएनए हमारा कैसे पैक होता है। अगर हमारे डीएनए की हाइट देखें तो हमारा डीएनए होता है 2.2 मीटर लंबा, कितना लंबा, 2.2 मीटर, यानी हमारे हाइट से भी ज़्यादा, हमारी हाइट लगभग 1.5 मीटर, लगभग, एक्यूरेट नहीं हूँ मैं, हो सकता है छोटा ही हो, ठीक। तो हमारे से भी लंबा हमारा डीएनए, अब हमारे से लंबा हमारा डीएनए, और वो है कहाँ, हमारी एक छोटी सी सेल में, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उस छोटी सी सेल के छोटे से न्यूक्लियस में हमारा डीएनए एंजॉय कर रहा है। तो यही साइंटिस्टों को बड़ा शॉकिंग लगा कि आखिर इतना लंबा डीएनए और इतने छोटे न्यूक्लियस में आ कैसे गया। तो उसी के लिए ये मॉडल दिया गया हिस्टोन प्रोटीन वाला, बताया गया कि हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का मतलब ऐसे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसको बनाए बताने के लिए ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बताया जाता है, जिसमें कुछ ऐसे चार टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है, चार टाइप के प्रोटीन होते हैं। इसकी डिटेल स्टडी अभी हम लोगों को करनी है तुम्हारे ही इसमें, जब सेल चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे करना है, इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करनी होगी। तो ये चार टाइप के प्रोटीन होते हैं और सब के सब डबल अमाउंट में रहते हैं, यानी पेयर में रहते हैं। तो अगर चार हैं और चारों का अगर डबल ले लें तो यानी 8 हो जाएंगे, तो इसको हिस्टोन ऑक्टामर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा वर्ड क्यों आया, 8 हो जाते हैं टोटल, इसलिए।
तो इसी को बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो डीएनए होता है वो ऐसे आता है और ऐसे लिपट जाता है इसमें, ठीक, यानी वही लटाई की तरह ऐसे से लिपट गया। तो बस यही काम होता है, यही इसी तरीके से उतना लंबा डीएनए हमारे छोटी सी सेल में अरेंज होता है ऐसे लिपट लिपट के, लिपट लिपट के, ठीक। तो ये इसी को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक, इसी को बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और यही हिस्टोन प्रोटीन मोनेरन में नहीं होता। क्यों नहीं होता, जरा देखना, इन लोगों का जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर है। और हम लोगों का डीएनए सर्कुलर नहीं होता, तो हम लोगों का डीएनए सर्कुलर नहीं होता तो उसको अरेंज करना पड़ेगा ना। इन लोगों का सर्कुलर होता उतने में हो जाता है काम। हालांकि हम लोग से छोटा भी डीएनए होता है, हम लोग की क्या बराबरी करेंगे ये सब छोटे मोटे लोग। तो यही है, ठीक है। अब इसके बाद इतना चीज़ तुम्हें याद रखना है एकदम से, ठीक है, इतना चीज़ याद रखना है। क्या क्या हमने पढ़ा, हमने सबसे पहले तो आज सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन देखा, वहाँ पे थ्री डोमेन देखा, कौन कौन सा, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया, ठीक है। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया आता था, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया यानी साइनो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों आ जाते थे, और यूकेरिया में कौन आता था, बाकी के बचे हुए प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया, ये चीज़ें आती थी, ठीक है। उसके बाद हमने किंगडम मोनेरा की स्टडी की और हमने पढ़ा कि किंगडम मोनेरा किसके द्वारा दिया गया। तो हमने देखा कि किंगडम मोनेरा जो था वो कोपलैंड के द्वारा क्रिएट किया गया, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक हो, सिंपलेस्ट हो, यूनिसेलुलर हो और माइक्रोस्कोपिक हो, उन लोगों को हम लोग इसमें किंगडम मोनेरा में पुट ऑन कर दे, मतलब रख देते थे। फिर उसके बाद हमने बात की कि किंगडम मोनेरा जो होता है वो बहुत पुराना, बहुत प्रिमिटिव, बहुत प्राचीन टाइप के लोग हैं, ये कहीं भी रह सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन वाला टर्म आया था वहाँ पे, ठीक है। फिर हमने देखा कि इनमें अगर सेल वॉल होगी तो किस किस चीज़ की बनी हुई होगी, और हमने ये भी देखा कि इनमें अगर सेल वॉल नहीं होगी तो वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी। तो उसके लिए हमने ट्रिक भी एक सीख लिया याद करने का उसको, ठीक, चल रहे भाई। तो ये हमें काम आएगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे वो अभी हमने देखा कि यहाँ पे फास्ट रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, मच मोर डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका जो डीएनए होता है वो जीसी रिच होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन जैसा कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलता है। अब इतनी सी बात में अगर कुछ भी ऐसा है जो न समझ में आया हो तो बेहिचक पूछ लेना, आज जाकर के इसको पढ़ना, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। जो भी ऐसी लाइन हो जो ना समझ में आए तो वो पूछ लेना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी ना समझ में आया उसे वो समझाया जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद अब हम लोग कल स्टडी जारी करेंगे बैक्टीरिया की ही, ठीक है। उसमें हम लोग बैक्टीरिया का शेप पढ़ेंगे, कैसे कैसे होते हैं, उनका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये वाला टॉपिक हम लोग ख़त्म कर लेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।